नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा ये जानने का प्रयास करते हैं। इस महीने में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अड़चनें हैं, कौन कौन सी तारीख हमारे अनुकूल रहेंगी, कौन कौन सी प्रतिकूल रहेंगी, किस तारीख में क्या सावधानी हमको आवश्यक है, वो जानने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं मकर राशि के ऊपर। शनि इस समय पर मकर राशि में ही चल रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मकर राशि में जब शनि चल रहे हैं तो यहाँ पर ये अपने वर्चस्व को बढ़ाने वाले हैं, अपनी इज्जत और रेपुटेशन को बढ़ाने वाले हैं, आपके राजकीय सेवाओं के अंदर आपको लाभ दिलवाने वाले हैं, कोई ना कोई उन्नति या नई नौकरी जो है आपको दिलवाने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, भाइयों से बैर हो सकता है, विवाद झगड़ा हो सकता है और पत्नी का स्वास्थ्य या पत्नी के साथ संबंध हमारे बिगड़ सकते हैं, उसकी आपको सावधानियों की आवश्यकता है। बृहस्पति आपके बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं। अभी मैंने कहा कि शनि आपके भाइयों से विवाद उत्पन्न करवा सकता है, झगड़ा उत्पन्न करवा सकता है, लेकिन बृहस्पति के होने के कारण कोई बात अगर हुई भी तो वो अपने कंट्रोल में आ जाएगी, संभल जाएगी और पत्नी का स्वास्थ्य भी कंट्रोल में हो जाएगा। अब इसके साथ ही ये बृहस्पति आपके भाग्य की वृद्धि भी करने वाले हैं, अतुलित लाभ भी देने वाले हैं। लेकिन राहु जो हैं वो आपके चौथे स्थान में हैं और चौथे स्थान का राहु चिंता भी देता है, अपयश भी देता है। कोई ना कोई कार्य आपके द्वारा ऐसा ना हो जाए जिससे आपकी ख्याति पर कलंक लग जाए या आपको जो है आपके आपका अपयश हो जाए और यहाँ पर कोई जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद भी आपका हो सकता है, माता का स्वास्थ्य आपका जो है गिर सकता है, अस्वस्थ हो सकता है, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। और अब दैनिक राशिफल की तरफ चलते हैं तो एक तारीख आपके लिए परिवार के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, दो तीन तारीख विजय के लिए बहुत बढ़िया है। विजय का मतलब कहीं ना कहीं जीत दिलवाने वाली है, अच्छे मित्रों को दिलवाने वाली है, अच्छे मित्र इस समय पर आपको मिलें और उनके साथ में आपका मेलजोल हो, भाइयों के साथ में अच्छा मेलजोल रहेगा। 4, 5, 6 तारीख इसके अंदर आपको कुछ चिंताजनक ये रह सकती हैं, अकारण चिंता हो सकती है, मन के अंदर कोई भय आपको हो सकता है। और इसके साथ ही 9-10 तारीख, तो 9-10 तारीख के अंदर 7-8 तारीख के अंदर ये जो है विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई वालों के लिए, इंटरव्यू वालों के लिए बहुत बढ़िया है। इस समय का किया गया कार्य आपका सफल होगा। 9-10 तारीख ये थोड़ी सी विवादों से परिपूर्ण है, कोई झगड़ा फसाद इस समय पर हो सकता है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। और 11, 12 और 13 तारीख ये आपके लिए परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए, प्रेमी प्रेयसी के लिए बहुत बढ़िया अनुकूल वातावरण बनाने वाली है। 14, 15, 16 तारीख ये आपके स्वास्थ्य की गिरावट लाने वाली है। इस समय पर यात्रा हो तो उसको स्थगित करें और इस समय पर कोई नया कार्य भी आप ना करें। अगर इस समय पर कोई नया कार्य आप प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफलताओं में संदिग्धता आ जाएगी, अर्थात वो सफल होना ये जो है असंभव हो जाएगा। 17-18 तारीख ये अच्छी और लंबी यात्रा दिलवा सकती है। 19 और 20 तारीख राजकीय कामों के अंदर कहीं प्रगति आपको प्राप्त हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, राज्य कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, राजनेताओं से मेलजोल आपका बढ़ सकता है। और 21-22 तारीख इसके अंदर आपको अच्छा लाभ होगा, अतुलित लाभ होगा, अनायास लाभ होगा। 23-24 तारीख ये आपके लिए खर्चों की रहेगी, इसके अंदर किसी भी प्रकार का नुकसान आपको हो सकता है तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। इस समय पर कहीं पर भी आप किसी को धन ना दें, ना कहीं पर धन लगाएं, वरना नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा हैं। 25-26 तारीख, 27-28 तारीख ये 4 दिन आपके लिए परिवार के लिए बहुत ही सुंदर, सुखद और अच्छा परिणाम देने वाली है। और ये परिणाम आपके लिए जो है आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छे और भावी जीवन के लिए उन्नतिकारक होंगे। इसके साथ ही अब मैं चलता हूँ 25-26 की तरफ, तो 25-26 तारीख जो है ये आपके लिए
यश प्रतिष्ठा को देने वाली, घर परिवार या सब जगह पर जो है प्रसन्नता देने वाली है। 27-28 तारीख भी धनागम के लिए बहुत श्रेष्ठ रहेंगी। 29-30 तारीख ये भाइयों के लिए, मित्रों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, उनसे आपको लाभ होगा, अच्छे मित्र आपको प्राप्त हो सकते हैं। और 31 तारीख जो है ये थोड़ी सी चिंता कारक रह सकती है, उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें। बाकी कोई विशेष जानकारी आपको चाहिए तो आपको जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान ये आप अपने पास में रखें और इन नंबरों पर संपर्क करके और अपॉइंटमेंट लेकर के और आप जो है हमारे कार्यालय की कुछ सेवाएं होती हैं वो अर्पण करके और हमारी सेवाओं से लाभ उठाएं। नमस्कार।